Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar and welcome to channel Skill Seekers. So today is the very first lecture of a new playlist with name Exam Hunt Series, which is dedicated to course Digital Design, which will help you regarding your midterms and end term. So let's start. तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है नंबर सिस्टम. तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग डिजिटल सिग्नल्स. तो एट प्रेजेंट नियरली ऑल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस आर गवर्ड बाय डिजिटल सिग्नल्स ड्यू टू देयर लार्ज नंबर ऑफ एडवांटेजेस. यानी कि डिजिटल सिग्नल्स के इतने सारे एडवांटेजेस हैं कि उनको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन में उनकी हेल्प की जाती है, मतलब वो यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. टू एक्सेस द डिजिटल सिग्नल्स एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन वी नीड डिजिटल सिस्टम्स. यानी कि कोई भी सिग्नल है वो कोई इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा, तो उसको एक्सेस करने के लिए या डिकोड करने के लिए हमें डिजिटल सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ेगी. नाउ डेज डिजिटल सिस्टम आर यूज इन कम्युनिकेशन, मेडिकल, एंटरटेनमेंट, साइंटिफिक, इंजीनियरिंग, मैनी अदर कमर्शियल पर्पसेस. तो ये सब एग्जांपल से देख लेना यहाँ पे यूज़ होते हैं. और एग्जांपल देख लो इसके, डिजिटल कैमरा में यूज़ होता है, स्मार्टफोन, LED TVs, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये. तो चलिए सिग्नल की डेफिनेशन देखते हैं. सिग्नल इज ए फंक्शन दैट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर. यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई ना और वो चेंज हो रही है किसी अदर पैरामीटर के रिस्पेक्ट में. फॉर एन एग्जाम्पल टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देखो टाइम पे चेंज हो रहा है यहाँ पे ये सब, तो उसको ही हम सिग्नल कहते हैं. नीचे देखो फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो सकती है, टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्टेंस, ठीक है, और जो पैरामीटर है वो एक टाइम हो सकता है. मतलब इनमें से कोई भी चेंज हो रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम और उसका हम फंक्शन निकालें या फिर ग्राफ बनाए, वो एक सिग्नल है. तो चलिए देखते हैं आगे. तो ना सिग्नल के टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज कंटीन्यूअस सिग्नल एंड सेकंड इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है. यानी कि इसे हम एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं कंटीन्यूअस को, और हम डिजिटल कहते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को. तो ये तो डायग्राम्स हैं. तो अभी देखते हैं इनमें से कि कौन सा एनालॉग है और कौन सा डिजिटल है. तो देखते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं फिर पता लगेगा. एंड एनालॉग इज वन विच हैव द मैग्नीट्यूड एट एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम. जैसे इस डायग्राम में देखो, अगर हम किसी भी पॉइंट की बात करें उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, है ना. जैसे हम टाइम 4 पे निकालना है तो हम निकाल लेंगे, हमें 4.77 पे निकालना है तो यहाँ पे भी निकाल लेंगे 4.77, हमें 5.9 पे निकालना है तब भी निकाल लेंगे, ठीक है. तो ये हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल, जिसे हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल भी कहते हैं. तो चलिए इसकी और देखते हैं डेफिनेशन पूरा अच्छे से. जैसे एन एनालॉग सिग्नल इन विच वन हैव द मैग्नीट्यूड एट एवरी इंस्टेंस ऑफ टाइम, ये तो एक पॉइंट हो गया. तो एग्जांपल भी हमने देखा कि जैसे कि ये देखो कंटिन्यूस है, हम किसी भी इंस्टेंस पे निकाल सकते हैं, किसी भी इंस्टेंस पे देखो कंटिन्यूस है ना. किसी भी पॉइंट की बात कर लें, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये कंटिन्यूस हो गया. तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नल. इफ इन द प्रीवियस एग्जांपल इफ टेम्परेचर इज टेकन एवरी आवर ओनली, मतलब जैसे लास्ट हमने देखा एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूस होता है, अगर यहाँ पे हम कंटिन्यूस ना रखें खाली इस पॉइंट की बात करते, 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की, ये टाइम की बात करते, और जो देखो बीच में मिसिंग पॉइंट है ये मिसिंग, तो ये जो मिसिंग है, ये मिसिंग है, अगर हम इसे हटा दें, मतलब इसे हटा दें और जो मिसिंग हो जाएगा और खाली पॉइंट्स की बात करें, देखो जैसे कि ये रहा, सिर्फ यहाँ पे एक डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे ही हम असाइन करते हैं. ये देखो मतलब सिग्नल में ये कंटिन्यूस नहीं होता. तो चलिए देखते हैं, दिस मीन्स द सिग्नल इज स्लाइस्ड और कैन से एज डिस्क्रीटाइज्ड, हेंस द सिग्नल हैज मैग्नीट्यूड एट डिस्क्रीट इंस्टेंस ऑफ टाइम आर कॉल्ड डिस्क्रीट सिग्नल्स. मतलब हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे नहीं मिलेगा, कुछ ही पे मिलेगा, जैसे 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा. मैग्नीट्यूड कैन हैव एनी वैल्यू बट एग्जिस्ट ओनली एट डिफरेंट टाइमिंग. मतलब मैग्नीट्यूड की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो कंटिन्यूस नहीं होंगे लेकिन उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी. जैसे 8 AM पे आपको कुछ और मिलेगी, 9 AM पे कुछ और मिलेगी. तो चलिए यही दो सिग्नल होते हैं, कंटिन्यूस और एनालॉग. तो एनालॉग तो ये हो गया अपना कंटिन्यूस, और डिजिटल हो गया डिस्क्रीट. तो चलिए आगे मूव करते हैं. तो आगे देखते हैं, इस पर हमसे कह रहे हैं डिजिटल सिग्नल इज अ स्पेशल केस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल. यानी कि जो डिजिटल सिग्नल है इज अ स्पेशल केस ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल. ये देखा ना अभी डिस्क्रीट सिग्नल, ये तो ये स्पेशल केस होता है डिजिटल सिग्नल उसका. इन डिजिटल सिग्नल वी डिस्क्रिटाइज मैग्नीट्यूड ऑल्सो, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी डिस्क्रिटाइज कर दिया, ठीक है.
तो अ डिजिटल सिग्नल्स हैव अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड लेवल्स एंड द सिग्नल कैन टेक ओनली दीज वैल्यूज एट डिस्क्रीट टाइमिंग. यानी कि हम कुछ रेंज दे रहे हैं, जैसे कि जैसे 0, 1 या 2 या 3, मतलब हम पॉइंट्स डिफाइन कर दें कि ये आएगा, सिर्फ इस इतने में ही हम प्लॉट कर सकते हैं. तो उस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि वो डिस्क्रीट लेवल हो जाएगा, मतलब डिजिटल सिग्नल हो जाएगा. अब बाइनरी डिजिट डिजिट सिग्नल दैट कैन हैव ओनली 0 एंड 1, ए बाइनरी डिजिट सिग्नल विच कैन हैव ओनली 0 एंड 1. यानी कि इस डायग्राम में देखो, ये वन, यहाँ पे 0 या 1. तो यहाँ पे आपने देखा हो फ्लोटिंग खाली 0 या 1 की हुई है, 0 या 1. और हमने किसको रिप्रेजेंट किया था? 1101, 1101. तो इसे हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं. यानी कि पहले तो हमने देखा यहाँ पे कि डिजिटल सिग्नल जो है उसके अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, और इसमें भी हम डिफाइन कर दें खाली 0, 1 या 2 या 3. बाइनरी के केस में खाली 0 और 1 आता है, 0 और 1, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिजिटल सिग्नल. तो आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की. अ नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ नंबर्स, मतलब जितनी भी फैमिली होती है ना नंबर्स की, आपने सुना होगा हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, डेसिमल, ये सारे नंबर सिस्टम की टाइप्स होती हैं. तो चलिए देखते हैं. एक रेडिक्स, रेडिक्स बोलते हैं इसे, जैसे बेस भी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख लो बेस या बेस, बेस यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर सिस्टम. फॉर एन एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रखा है मैंने यहाँ पे 13 और यहाँ पे बेस 10. तो ये तो देखो कोफिशेंट हो गया, कोफिशेंट या मैग्नीट्यूड कह लो, ठीक है, और ये हो गया 10, यहाँ पे बेस, बेस या रेड एक्स, बेस या रेड एक्स, ठीक है. तो इसमें एक और पॉइंट याद रखना, एक नोट बनाओ यहाँ पे, नोट कि जैसे कि 10 है आपका बेस किसी भी नंबर सिस्टम में, मतलब डेसिमल हो गया ना, ये डेसिमल हो गया. तो रेडिक्स अभी हमने देखा कि क्या होता है, कि कितने नंबर्स इसके अंदर है. तो 10 के अंदर क्या हो सकते हैं? 0 होएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होएगा, 5 होएगा, 6 होएगा, 7 होएगा, 8 होएगा या 9 होएगा. तो इनमें से कोई भी हो सकता है. तो इसकी काउंटिंग करो, ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 है. तो यही तुम्हारा रेडिक्स हो गया, रेडिक्स, ये रेडिक्स हो गया. और इसमें एक नोट है कि जितने भी नंबर्स होंगे ना इसके अंदर, नंबर्स जितने भी नंबर्स होंगे वो हमेशा स्मॉलर होंगे रेडिक्स से, रेडिक्स या बेस से. अब जैसे मैं एग्जांपल लूँ, अब एग्जांपल लूँ मैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला 1, 2, 9 और इसका बेस डाला 8. तो आप बताओ कि ये सही वैलिड है या नहीं है? तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 9 आ गया. मैक्सिमम नंबर जो आ सकता था वो 7 आ सकता था. यानी कि 0 से लेके इन केस ऑफ 8 रेडिक्स यहाँ पे कितने आ सकते थे नंबर्स? या तो 0 से लेके 7 तक आ सकते थे. जैसे ये n रेडिक्स है तो n माइनस 1 तक नंबर्स आ सकते हैं. अगर उसके इक्वल आ गए या उससे ज़्यादा आ गए तो वो गलत होगा, वो नंबर सिस्टम को मतलब उसके रूल्स ऑबे नहीं करेगा. तो चलिए आगे देखते हैं. तो आगे हम इसके टाइप्स देखते हैं. तो नंबर सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज डेसिमल, सेकंड इज बाइनरी, एंड थर्ड इज ऑक्टल, एंड फोर्थ इज हेक्साडेसिमल. ये मेन है जो हम यूज़ करते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम यूज इन कॉम्पिटेशनल साइंस. मतलब हो तो कोई भी सकता है रेडिक्स, सारे एग्जिस्ट करेंगे, बट ये है जो कॉमन, जो यूज़ होते हैं मतलब कॉम्पिटिशनल साइंस में, डेली लाइफ में. तो चलिए देखते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो नंबर्स होंगे 0 से 9 होंगे, क्योंकि डेसिमल का मैंने आपको रेडिक्स बताया था अभी, इसका रेडिक्स 10 होता है ना, रेडिक्स 10 हो गया. तो इसके अंदर कितने नंबर्स आ सकते हैं? 0 से लेके 9 तक कोई भी आ सकता है. तो यहाँ पे देखो 0 से लेके 9 तक, बताया था ना, n माइनस 1 तक कोई भी आ सकता है, अगर उससे ऊपर होगा तो वो रूल को ओबे नहीं करेगा. तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 1, 3 और बेस 10. तो देखो 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि ये लेस देन 9 है, लेस देन इक्वल टू 9, लेस देन 10. तो नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. तो इसका जो रेडिक्स होता है वो 2 होता है. तो अब जैसे 2 हो गया तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? तो 0 या 1, लेस देन 2, ठीक है, तो 0, 1, और एग्जाम्पल जैसे लिया 0, 1, 0, 2, ये बाइनरी नंबर है. तो देखो 0, 1, 0, 1 ही आ रहे हैं, तो ये वैलिड हो गए.
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम. तो इसका जो बेस होता है ना, ये रेडिक्स है वो 8 होता है ऑक्टल का. ये आपको याद रखने पड़ेंगे इसके बेस, ठीक है. तो अब जैसे 8 है, तो अब जो इसमें नंबर आ सकते हैं वो लेस देन 8 आ सकते हैं. तो देखो 0 से लेके 7 तक कोई भी नंबर आ सकता है. जैसे 3, ये भी स्मॉलर देन 8 है. 6 भी स्मॉलर देन 8 है. और फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता 3 9 बेस 8, तो वो रॉन्ग हो जाता क्योंकि 9 अलाउड नहीं है, वो ग्रेटर हो गया. तो अब देखते हैं हेक्साडेसिमल. हेक्साडेसिमल नंबर आगे 0 से लेके एफ तक. अब बता दो ये एफ क्या होता है. यहाँ पे देखो, अब जैसे 9 तक तो हम वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं 0 से लेके 9, जैसे हम बाकियों में करते हैं. तो ए को हम कहते हैं यहाँ पे 11, और बी को, ए को हम कहते हैं यहाँ पे 10, बी को कहते हैं 11, सी को 12, और डी को 13, और ई को 14, और एफ को 15. तो याद रखना ये ए बी सी डी ई एफ. ए को 10, बी को 11, सी को 12, डी को 13, और ई को 14, और एफ को 15, ठीक है. और इसका रेडिक्स 16 होता है. तो यानी कि 0 से लेके 15 तक कोई भी नंबर्स आ सकते हैं. तो एग्जांपल में देखो 3F, 3 तो स्मॉलर है, और अभी हमने एफ देखा, एफ यहाँ पे 15 होता है, तो ये भी स्मॉलर देन 16 है, तो ये वैलिड है. तो चलिए अपना टेबल बनाते हैं 0 से लेके 10 तक. चलिए तो काम करते हैं 0 से लेके 16 तक बनाते हैं. 0 से लेके 16 तक, तो डेसिमल में देखो, डेसिमल में 0 1 2, डेसिमल तो वही हो गया जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मैथ्स वगैरह में, या जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं. 3 4 5 6 7 8 9, और आगे देखते हैं 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ठीक है. ये 16 हो गए, आगे कर लेना, ये 16 तक है, ऐसे ही हो जाएगा. 16 काफ़ी है, सफिशेंट है समझने के लिए. अब बाइनरी में देखो इसे क्या लिखेंगे. 0 को लिखेंगे 0 0 0 0. एक मैं एक्स्ट्रा पे ले लेता हूँ कुछ समझाने के लिए, कि जैसे कल वाला जो लेक्चर होगा ना, वो हम कन्वर्जन देखेंगे, तो आप उससे भी समझ पाओगे. वैसे 0 0 0 0, तो हम इसको बाइनरी में देखेंगे तो कैसे देखते हैं. तो ये इंडेक्स देखो, ये होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB, और ये होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB, ठीक है. तो अगर हम इसका इंडेक्स देखें, तो इसका इंडेक्स आ जाएगा ये 0 1 2 3. तो अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो ना डेसिमल के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हैं. देखो ये कॉफिशेंट हो गया, ये देखो कॉफिशेंट, ये कॉफिशेंट, और ये ऊपर इसका इंडेक्स होता है. तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पहले तो हम लिखते हैं रेडिक्स. इसका रेडिक्स क्या है, बाइनरी, ये जैसे बाइनरी था, ये बाइनरी के केस की बात हो रही है. तो बाइनरी के केस में क्या होता है, रेडिक्स 2 होता है. तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 0, जिसका इंडेक्स है, इनटू ली सिग्निफिकेंट बिट. जैसे ये रहा ली सिग्निफिकेंट बिट, यहाँ पे देखो 0 है, यहाँ पे सारी 0 है, ठीक है. तो यहाँ पे 0 0 प्लस 2 की पावर 1, देखो इंडेक्स, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू मल्टीप्लाई विद कॉफिशेंट. तो इसका कॉफिशेंट क्या है, 0. तो 0 into 2 raised to power 1, और ऐसे हम बाकियों का निकाल लेंगे. तो देखो यहाँ पे क्या है बेस, देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है. तो 2 radix की पावर 2, जो कि इंडेक्स हो गया, इंटू कॉफिशेंट 0, और ऐसे ही नेक्स्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है. 2 raised to power 3 into 0, जिसका कॉफिशेंट है, ठीक है. तो ये क्या आ गया, 0 plus 0 plus 0 plus 0 equal to 0. तो बस आप अभी इतना ही समझ लो, कल हम इसको अच्छे से देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें इसको अच्छे से देखेंगे. तो देखते हैं, तो अभी हमने क्या देखा, 0 0 0 0 आ गया. अब ऐसे हम 1 के लिए निकालेंगे, तो 1 के लिए आप निकाल के देखना, जैसे मैंने बताया वो आ जाएगा 0 0 0 1. आप निकाल के देखना, क्योंकि बाकी तो 0 हो गए, कॉफिशेंट सबके 0 है. तो लास्ट वाले का 1 हो गया, 1 into 2 raised to power 0, 2 raised to power 0 is equal to 1, और वहाँ पे भी 1 था कॉफिशेंट 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. तो नेक्स्ट निकालेंगे 0 0 1 0, ठीक है. ये 2 के इक्विवेलेंट है. अब देखेंगे 3 के लिए 0 0 1 1, ये 3 के लिए हो जाएगा. 4 के लिए हो जाएगा 0 1 0 0. 5 के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 0 1 0 1. 6 के लिए निकालेंगे तो आ जाएगा 0 1 1 1 1 0, ये 1 0 आ जाएगा. और 7 के लिए निकालेंगे तो आएगा 0 1 1 1 0 1 1 1, और 8 के लिए निकालेंगे तो 1 0 0 0, और 9 के लिए निकालेंगे तो 1 0 0 1. अब 10 के लिए निकालेंगे तो 1 0 1 0.
ठीक है, और 11 के लिए निकालेंगे तो 1 0 1 1, अब 12 के लिए निकालेंगे तो 1 1 0 0, अब 13 के लिए निकालेंगे तो 1 1 0 1, अब 14 के लिए निकालेंगे तो 1 1 1 0, अब 15 के लिए निकालेंगे तो 1 1 1 1, और ये 16 के केस में आ जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। अब ऑक्टल के लिए करते हैं, तो ऑक्टल के केस में मैंने क्या बताया था आपको, किसका बेस 8 होता है, बेस 8 होता है, तो कितने नंबर्स आ सकते हैं, 0 से 7 आ सकते हैं। तो जैसे हमने 2 के लिए निकाला था ना, तो वहाँ पे बेस बस बस बेस इंटरचेंज हो जाएगा, 2 की जगह 8 आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो जैसे 7 तो अब एक्सीड हो गया, मतलब अब 8 आएगा तो वो अलाउड नहीं है, तो अब आ जाता है नेक्स्ट जो आता है 1 0। जब सॉल्व करके देखना यही आएगा, मैं लास्ट में करके भी दिखा दूंगा एक दो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। ये 1 0, अब एक एक इंक्रीज हो जाएगा, 1 1 आ जाएगा, ये 1 2 आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7। अब जैसे 7 रीच हो गया तो अब 8 तो हो नहीं सकता, तो मोर सिग्निफिकेंट बिट इंक्रीज हो जाएगी, 2 0, या फिर 2 0 आ जाएगा। तो चलिए अब हेक्सा डेसिमल के केस के लिए निकालते हैं, तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5। इसमें बताया था ना मैंने, एक तो 0 से 9 होता है और होता है ए से एफ। तो 6 के लिए 6 आ जाएगा, 7 8 9। अब ए के केस में क्या आएगा, ए के केस में ए आएगा, और 11 में बी सी डी ई और ये एफ, और जो नेक्स्ट आएगा यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 1 0 1 0, ठीक है, क्योंकि अब स्टार्टिंग से स्टार्ट होएगा ना, मोर सिग्निफिकेंट बिट इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए एक समझा देता हूँ, एक काम करते हैं हम ना, ये वाला करके देखते हैं, जैसे ये वाला, ये 20 कैसे आया ऑक्टल के केस में, 16 था ना इसका डेसिमल में, तो चलिए देखते हैं। तो हमें 16 के लिए देखना है, तो हमारा क्या आंसर आया था, ये आया था 20, ठीक है 20। तो 20 का अगर वेरीफाई करना हो तो क्या करेंगे, इसका इंडेक्स लिखेंगे, तो इसका इंडेक्स 0 है, मोस्ट मतलब ली सिग्निफिकेंट बिट का, और यहाँ पे लेफ्ट साइड इंक्रीज होता जाएगा 0 1, और यहाँ पे इस बार बेस 8 है, तो 8 रेस टू पावर 0 इंटू 0 प्लस 8 रेस टू पावर 1 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 इंटू 8, विच इज इक्वल टू 16। तो 16 प्लस 0 इक्वल टू 16, तो इसका आंसर भी 16 आ गया। 16 जो ये आया डेसिमल में, और देखो जब हम कन्वर्ट कर रहे थे हमने भी तो यही देखा था, डेसिमल में 16 था लेकिन उसकी ऑक्टल में वैल्यू थी 20। तो ऐसा कर करके देख लेना सारे आ जाएंगे, और कल हम कन्वर्जन देखेंगे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कन्वर्जन देखेंगे। थैंक यू। तो जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा ना, उसमें हम नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखेंगे, नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। तो अगर आपको इन प्लेलिस्ट से जुड़े रहना है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।